गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज विकी पगड़िया का होस्ट और दोस्त कॉमोडिटी के इस वीकली आउटलुक। तो दोस्तों, लास्ट वीक गोल्ड ने रहा जबरदस्त मूवमेंट। गोल्ड में लास्ट वीक एक 5 से 6% का रैली देखने मिला, 3 से 37 हजार पॉइंट का। SVB बैंक कोलैप्स हुआ, अनिश्चितता बढ़ी एंड गोल्ड में तेजी का माहौल क्रिएट। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसको चार्ट के माध्यम से देखें, तो लास्ट वीक मैंने गोल्ड में आप लोगों से बाई बताया था। क्यों बताया था? कि गोल्ड जिके 10 मार्च को अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ था, एंड टेक्निकली मैं जो देखता हूँ MACD में 19 क्रॉसओवर 10 मार्च को बना था। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बाई दिया था कि इसके ऊपर 56,500 के ऊपर जैसे ही गोल्ड चलेगा, इसके जस्ट ऊपर में गोल्ड में एक तेजी आ गया था। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बहुत छोटा सा दिया था, इस कैंडल का लो का ही दिया था, एंड टारगेट मैंने आपको 17,257,700 तक का दिया था। तो वो तो 13 मार्च को ही अचीव हो गया, बट उसके बाद भी हम लोगों ने इसको ट्रेलिंग चलाया, बिकॉज वीकली आउटलुक के बाद रियल टाइम मार्केट में मैं रहता हूँ, तो हम लोग मार्केट में चार्ट देख के डिसीजन ले पाते, बट नॉर्मल सेंस में ये डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। वीकली चार्ट्स में जब हम लोग लोगों की वीडियो दे देते हैं, तो वहां पे आके और आपको वीकली अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जो यूजर कमेंट्स पे या सोशल मीडिया में पूछ लेते हैं, तो उसको हम लोग इमीडिएट अपडेट कर देता हूँ, राइट। तो गोल्ड में ऐसा क्या हुआ जो ये तूफानी तेजी है? न्यूज अपार्ट, जब विकास बगड़िया आपको बताते हैं और जब मैं बताता हूँ, तो मैं प्योरली आपको जो होना होता है मैं चार्ट के माध्यम से बताता। चार, मेरा ये मानना है मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस में कि जो होना है, जिस तरीके से होना है, बढ़ना है घटना है, चार्ट में एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड, गिरेगा बढ़ेगा एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ट के माध्यम से क्यों मैंने गोल्ड पे बाई किया। मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया कि डेली चार्ट में 10 मार्च को मेरे शॉर्ट टर्म यूनिट के ऊपर बाजार क्लोज हो गया, MACD में एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया, तो आई वॉज रेडी टू बाई गोल्ड। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इसको मैं हिडन डाइवर्जेंस, ये दिस वन प्राइस मेड ए न्यू लो, एंड MACD हिस्टोग्राम पे एक MACD हिस्टोग्राम पे मेरे को एक बुलिश डाइवर्जेंस, MACD हिस्टोग्राम पे एक बुलिश डाइवर्जेंस, MACD में बुलिश क्रॉसओवर, वॉल्यूम्स वे रुके, गेटेस्ट में ये वॉल्यूम्स थोड़ा सा कम था, अचानक से वॉल्यूम्स में भी एक स्पाइक आया, एंड दिस वाज द ट्रेंड कि यार में गोल्ड में ट्रेड तेजी बनी। बट तो अब ये हम लोग इसको वीकली चार्ट से डिकोड करते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट में जब मैंने आप लोगों को गोल्ड का बड़ा करेक्शन दिया, तो गोल्ड में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया। थोड़ा सा चार्ट को वीकली बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे गोल्ड में एक शूटिंग स्टार बना, एंड इट फॉलोड अ फॉल। ये फॉल आया मेरे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज तक, जो कि ये रेड लाइन था। गोल्ड जस्ट इसको टच करके घुमा, और जब घुमा तो यहाँ पे मेरे को इमीडिएटली, सॉरी, देख लो ना, इमीडिएटली जब मेरे को यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला गोल्ड की, मेरे सपोर्ट जोन के पास गोल्ड आके यहाँ पे एक ये रिवर्सल पैटर्न देखा। तो इस रिवर्सल मतलब आप में से बहुत से टेक्निकली इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं, जिन्होंने नहीं, जो नहीं जानते हैं, तो मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे इसके ऊपर एक वीडियो है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप उसको देखिए, एंड आपको ये मिल जाएगा कि ये कैंडल इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्यों। तो ये कैंडल जब बना 10 मार्च, तब मैं श्योर हो गया कि गोल्ड तो वापस एक रिवर्सल बन चुका है, और इस कैंडल के बनते ही MACD में एक जबरदस्त चेंज इन पोलैरिटी हुआ। MACD में जो कि बेरिश क्रॉसओवर होगा, तो ये वापस से ऊपर चला, और उसके बाद हम लोगों को पूरा इस वीक में गोल्ड में करीब 3,200 पॉइंट का मुनाफा क्लॉक। तो दोस्तों, ये बेनिफिट होता है चार्ट एनालिसिस का हर टाइम फ्रेम पे, जिसको मैं MTFA बोलता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जब हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, तो
तो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों को ट्रेंड को पकड़ना होता है, एंड देन उस ट्रेंड को प्लान करके हम लोग एक डिसाइसिव ट्रेड प्लान बनाते हैं, एंड वी देन जंप ऑन टू दैट ट्रेड प्लान। तो यहाँ पे आपने गोल्ड पे देखा, एमटीएफए पे मेरे को गोल्ड कितना तगड़ा बन गया, एंड वी एंटर। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब गोल्ड में इस वीक हम लोगों को क्या करना? तो देखिए गोल्ड, देखिए दोस्तों, गोल्ड ने करेक्शन के बाद, लेट मी जस्ट, अभी गोल्ड के लिए, अब गोल्ड के लिए देखिए लॉन्ग टर्म के लिए फाइटर सपोर्ट जो है 55,200%, 52,200, और यहाँ पे दो वीक के कैंडल को इस वीक में, इस बियरिश कैंडल में 10%, 2 मंथ के कैंडल सपोर्ट जोन के पास है, तो गोल्ड में और बढ़ने की जगह बाकी। तो मंथली चार्ट मेरे को गोल्ड में अभी भी अपर लेवल इंडिकेट कर रहा है। अब जो हो लो वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में देखिए अभी तो प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी बियरिश का नहीं है। अगर एमएसडी में, अगर वीकली में चेंज आता है, एमएसडी यहाँ से घूमने लगता है, तब हम लोगों को वीकली में चेंज दिखेगा, बट अभी वीकली चार्ट पे भी कहीं कोई चेंज है नहीं। वीकली चार्ट अभी भी गोल्ड में इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाने, तो मंथली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे भी पॉजिटिव है, एमएसडी में 20 क्रॉसओवर हुए हैं। तो अभी गोल्ड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? 5 जून को 57,964, तो गोल्ड के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिट्यूशन के हिसाब से काम करने लगेगा। 57,873 से 57,973, मतलब ये 100 पॉइंट का बफर रहेगा, बट ये जोन गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ठीक है। डेली चार्ट भी पॉजिटिव है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, मेरे को आवर्ली चार्ट से ट्रेड प्लान को बनाना पड़ेगा। तो हायर टाइम फ्रेम इतना रोबस्ट है, तो आपको एंट्री एग्जिट के लिए आवर्ली चार्ट देखना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो देखिए आवर्ली चार्ट मेरे को एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 38,600। तो नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड बाई चांस करेक्ट होता है, ये मेरा रेड लाइन के पास आएगा या इस सपोर्ट जोन के पास आ सकता है 58,600। अगर 58,600 के करीब गोल्ड मिल जाता है तो गोल्ड विल बी ए बाय, ठीक है। तो प्लस छोटा सा देना है इसके नीचे 58,300 के करीब का स्टॉप लॉस देना है। टारगेट फिर हम लोग ऊपर का रखेंगे 59,400 और 60,200। तो गोल्ड पे पाउंस करके मंडे को बाई नहीं करता है, रिट्रेसमेंट थोड़ा मिलता है तो, बिकॉज 4 आवर्स का भी अगर चार्ट देखते, 4 आवर्स का चार्ट भी बहुत ऊपर है, 3 आवर्स ऑलमोस्ट अप, मतलब हर टाइम फ्रेम का चार्ट देखते एकदम रोबस्ट बाइंग दे रहा है। तो अगर मंडे को मेरे को कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ पे मिलता, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, बट मैं इस जोन के लिए वेट करूंगा 58,600, जहाँ पे मैं इजिली गोल्ड को बाई कर सकता। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड बाई ऑन डिप्स नियर 58,600 to 700, 58,300 का स्टॉप लॉस दीजिएगा, टारगेट 59,400 एंड 60,200। दिस विल बी द स्ट्रेटजी इनटू गोल्ड, लुक्स बुलिश, गोल्ड तेज है, गोल्ड में और तेजी बनना है, तो ये गोल्ड का लेवल होगा नेक्स्ट वीक के। फिर दोस्तों सिल्वर, सिल्वर में देखिए सिल्वर अभी भी मंथली चार्ट में, पहले तो मैं देखूँ सिल्वर एक रेंज पर चल रहा है, सिल्वर में कोई भी बड़ा मूव आएगा भी तो 71,000 के ऊपर आएगा, ये तो समझ में आ रहा है कि मंथली चार्ट में सिल्वर अच्छा था। तो मेरे को शॉर्टर टाइम फ्रेम से एक वीक निकालना पड़ेगा। अब सिल्वर में वीकली चार्ट को मैं देखता हूँ, तो ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हफ्ते के फॉल को सिल्वर ने एरेस्ट किया है, एंड अब सिल्वर हम लोगों के लिए बाई जोन पे आ चुका है। वीकली चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर में बड़ा बाई होना चाहिए, दो छोटे हर्डल्स दिख रहे हैं सिल्वर में 69,788 एंड 71,900 के करीब। ये सिल्वर में ये दोनों
बहुत इम्पोर्टेंट आइडल जोक्स है टेली चार्ट। टेली चार्ट में ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं, बट इट इज ट्राइंग टू चेंज द ट्रेंड। तो सिल्वर को अभी हम लोगों को बाई करना, तो डेली चार्ट में देखिए अभी तक तो ट्रेंड मेरे इच्छी को मैं नेगेटिव है, बुलिश है, बुलिश है, नेगेटिव जोन है ना, कहीं फ्यूचर को मूव में कोई क्लोजर मतलब टर्न अराउंड आया, कोई ट्विस्ट आया, एंड एमएसीडी भी एक बुलिश क्रॉसओवर पे। तो आते हैं हम लोग आवर्ली चार्ट। अब मैं देखता हूँ कि आवर्ली चार्ट से मेरे को क्या करना है। तो आवर्ली चार्ट बुलिश है तो मैं सिल्वर में नेक्स्ट वीक के लिए लॉन्ग करना चाहूँगा 68,700 के ऊपर इस हाई के ऊपर, सरप्लस दूंगा मैं। ये मेरा शॉर्ट टर्म ये 67,500 जी बिल्कुल, सरप्लस थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन कि आपको स्टॉप लॉस इसका देना होगा और इसका स्टॉप लॉस देना। पहला टारगेट होगा 69,964 ऑलमोस्ट 70,000 के करीब, और उसके बाद दूसरा टारगेट जाएगा 72,000 के करीब। तो सिल्वर अप बाई अबव दिस साइज 68,720 है, तो 68,800 के ऊपर भाई स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। 67,600 1,200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट आपके लिए वही 1,200 पॉइंट के करीब का है, 70,000 के करीब का, और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, और 70 के ऊपर चल गया तो फिर 72,000 का वहां से 2,000 पॉइंट का और अधिक। तो ये सिल्वर का प्लान है नेक्स्ट वीक। कॉपर, कॉपर में देखिए अभी कोई मोमेंटम है नहीं, कॉपर अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है। अगर कॉपर नेक्स्ट वीक रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है, 20 20 दिन के ये किस पे ये ग्रोथ टीचर काफी सारा, या तो 20 दिन से जो ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, इसके ऊपर ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, देन वी विल सारे जोन पे है कॉपर। तो लेट इट ब्रेक अबाउट दिस लेवल 765 66 के ऊपर थोड़ा फिर मेंटेन कर दिया, या 770 रख लीजिए उसके ऊपर चलता है, तो 760 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 785 to 790 का रखिए, और 790 के ऊपर चला तो फिर कॉपर में एक नया मूव आएगा। क्रूड ऑयल, क्योंकि लास्ट वीक क्रूड ऑयल पे मैंने आप लोगों को मंदी दिया था एंड धमाकेदार मंदी आप लोगों को मिला था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये एक डिसाइसिव जगह पे, मैंने आप लोगों को ये पूरा ट्रेंड लाइन और ये सब कुछ ड्रॉ करके दिखाया था कि ये दायरा इतने हफ्ते से कंसोलिडेट करने का, ये दायरा छोटा हो रहा है, अगर इसके ऊपर चलेगा 66 समथिंग के ऊपर तो क्रूड फाड़ के जाएगा 7,300 तक, और अगर ये बॉटम लेवल टूटता है 6,050 60 का तो क्रूड में 500 पॉइंट का गिरावट आ जाएगा, और क्रूड में 500 पॉइंट का गिरावट आपको मिल भी गया, उससे आपका 12% 12% इज नॉट लेस। दोस्तों 12% कमी का क्रूड में, तो क्रूड अभी और भी क्रूड में अभी और गिरावट का दौर जारी रहे, तो देखिए इसने अपने मंथली के इस वोलेटाइल सपोर्ट जोन को ब्रिज कर, ये ब्रिज करने के कगार पे, सॉरी। तो नेक्स्ट वीक अगर क्रूड 5,500 के नीचे मिलता है, 5,500 5,450 तो सही 5,450 5,450 के नीचे मिलता है, तो क्रूड ऑलमोस्ट और डिप कर जाएगा 4,700, तो 600 से 700 पॉइंट का क्रूड में फिर 10 से 12% का गिरावट बन सकता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 5,800 का, 5,800 5,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो क्रू 5,450 के नीचे अगेन से है और बड़ा मुनाफा के लिए क्रू खरीदेगा। इटली चार्ट में भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ने के कगार पे खड़ा है, तो टूटता है तो ऑलमोस्ट 4,700 तक तो क्रू जाने वाला है।
डेली चार्ट करा रहे थे। पुरुगाल में बियरी 1450 के नीचे बेचना है, 4750 का टारगेट पहला रहेगा, स्टॉप लॉस 5750। तो दोस्तों आपके लिए कॉमोडिटी का ये एनालिसिस कर लेके आता हर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक कमेंट कर दीजिए कि मैं आपके लिए इस एडुकेशनल वीडियो को, इस स्ट्रेटेजिकल वीडियो को आप लोगों के लिए और क्या क्या इंकॉर्पोरेट करूँ और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को कमोडिटी में इंकॉर्पोरेट करूँ जिसमें आप ट्रेड करते हो, ताकि मैं उसको भी इंकॉर्पोरेट। तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव से वीडियो शेयर करिए और खूब सारा लाइक खूब सारा कमेंट्स करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बना रहे इस तरह की वीडियोस बनाने पे, और ये वीकली आउटलुक लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, ताकि हर वीक आप कॉमोडिटी में लंबा मुनाफा बना सके। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए अपकमिंग।